एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। बड़ी खबर की जो ये वीडियो अपलोड की जा रही है, इसमें इंपॉर्टेंट तौर पे ईएसओ की नई विज्ञप्ति के बारे में बात की जाएगी और साथ ही साथ नायब तहसीलदार ग्रेड पे 4800 की मांग जो हो रही है इसके बारे में भी चर्चा की जाएगी और एसएससी जूनियर इंजीनियर 2024 की रिवाइज्ड जो भर्ती है उसके बारे में मुख्य सेविका की बड़ी अपडेट। इन तमाम तरह की बड़ी खबरों के लिए ऐसा लगा कि वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को अपडेट दी जाए, क्योंकि इस पर बहुत सारे जो है कमेंट्स आ रहे थे, तो अपडेट वीडियो के माध्यम से दिया जा रहा। आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर अभी तक एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, साथ ही साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो जब भी अपलोड होगी आपके काम की तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को ज़ाया किए। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। मुख्य सेविका की हेयरिंग को लेकर के आपको बता दें कि शासन स्तर से आयोग स्तर से पूरी कोशिश की जा रही है कि ये जो अगली सुनवाई की डेट है उस तक जो है बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा मुख्य सेविका की भर्ती को लेकर के, क्योंकि पहली हेयरिंग जो हुई थी वो 1 सितंबर 2022 को थी। नेक्स्ट हेयरिंग की जो डेट लगी वो 4 जुलाई 2024 को लगी है। अब ये लिस्ट हुआ है कोर्ट नंबर 5 में, लेकिन एडिशनल में है, अनलिस्टेड लिस्ट में है, तो इसलिए जो इसको शासन और आयोग के स्तर से कोशिश करनी चाहिए इसको लेकर के आप लोग अपनी बात रख सकते हैं जैसे भी हो सके आयोग के संज्ञान में, ताकि जो ये केस जो है सुनवाई हो जाए 4 तारीख को। तो आशा है कि निर्णय बहुत हद तक जो है प्रतियोगी छात्रों के फेवर में आने की चांसेज है। ये है मुख्य सेविका को लेकर के अपडेट, 4/7/2024 को लिस्टिंग है केस। वहीं अगली खबर एसएससी जेई को लेकर टेंटेटिव रिवाइज वैकेंसी अब जूनियर इंजीनियर को लेकर के सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 डिपार्टमेंट यहां पे दिया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल वाटर कमीशन, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वाटर पावर रिसर्च स्टेशन के बारे में है, DGQAF फरक्का के लिए है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के लिए है। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल के बारे में जो पोस्ट है SC ST OBC EWS अनरिजर्व टोटल जो है यहाँ पे इंक्रीज जो टेंटेटिव रिवाइज वैकेंसी हुई है 142 रिजर्व के टोटल जो 438 है। ये बात हो रही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जूनियर इंजीनियर सिविल की। उसी प्रकार से विज्ञप्ति जो 206 जो है जूनियर इंजीनियर सिविल के सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में, जिसमें एससी की 30 है, एसटी की जो है 15 है, ओबीसी की 55, ईडब्ल्यूएस की 20 है और अनरिजर्व की 86 है। टोटल 206 सीटें हैं। बाकी जो है यहाँ पे टोटल 489 सीटें जो है वो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस में यानी कि MEES में है जूनियर इंजीनियर सिविल की, जिसमें 73 जो है एससी की, एसटी की 37, 132 ओबीसी की, 49 ईडब्ल्यूएस की, 198 जो है अनरिजर्व की, टोटल 489 है। इसके बाद जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MEES के अंतर्गत जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए जो विज्ञप्ति 141 है, यानी कि टोटल इसमें 350 है, 141 अनरिजर्व की है, 35 EWS की, 95 OBC के, 26 ST के और SC की 53। ये टेंटेटिव रिवाइज वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की 3, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है यहाँ पे आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश संभाग 3 के अंतर्गत जो है यहाँ पे नायब तहसीलदार के पद का वेतन ग्रेड पे 4200 से उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 किए जाने के संदर्भ में महोदय उपयुक्त विषय उत्तर प्रदेश राजस्व प्रशासनिक अधिकारी संघ के प्रार्थना पत्र दिनांक 29/4/2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट है, जिसके द्वारा नायब तहसीलदार के पद का ग्रेड पे जो 4200 यानी कि 4200 है इससे उच्चीकृत कर ग्रेड पे 4800 किए जाने का अनुरोध किया गया। और इस संबंध में अवगत कराना कि नायब तहसीलदार का वर्तमान में जो वेतन ग्रेड पे है वो 4200 है। नायब तहसीलदार की जो पदोन्नति तहसीलदार पद पर होती जिसका ग्रेड पे 5400 होता है, उल्लेखनीय कि जब किसी नायब तहसीलदार को ACP का लाभ दिया जाता है तो प्रथम ACP के तहत ग्रेड पे 4600 एवं द्वितीय ACP के तहत जो ग्रेड पे होता है प्रथम ACP के तहत जो 4600, द्वितीय में 4800, तृतीय में जो है 5400 दिए जाने का प्राविधान संघ शासनादेश में किया गया। जब कोई कार्मिक 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद सीधे तहसीलदार के पद पर पदोन्नत होता है तो उसे 5400 ग्रेड पे वाला वेतन मिलता है, और जब कोई कार्मिक किसी कारणवश सीधे पदोन्नति न पाकर ACP का लाभ प्राप्त करता तो उसे ACP की व्यवस्था के अंतर्गत 16 वर्ष की सेवा के उपरांत 4800 ग्रेड पे एवं 26 वर्ष के बाद उसका जो है 5400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाता है। तो सीधे पदोन्नत पाने वाले कार्मिक को मात्र 4 वर्ष में 5400 ग्रेड पे हो जाता है, जबकि ACP के तहत जो 26 वर्ष की सेवा के बाद 5400 ग्रेड पे होता। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि नायब तहसीलदार का जो ग्रेड पे है वो जो है 5400 जो 4800 किया जाए। यहाँ पे जो पदनाम दिया गया इसके सापेक्ष जो है अधीन सेवा चयन आयोग के तहत पूर्ति निरीक्षक, खाद्य एवं रसद विभाग जो होता है, विपणन निरीक्षक होता है, वरिष्ठ पूर्ति, इन सबके लिए पदोन्नति में जो है 4600 ग्रेड पे है, 4800 ग्रेड पे प्राथमिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट है, प्रधानाध्यापक के लिए है 4800। ये जो है नायब तहसीलदार पद के नियुक्त प्राधिकारी माननीय अध्यक्ष राजस्व परिषद के काफ़ी कनिष्ठ ये सारे पद हैं, इसमें ग्रेड पे जो है यहाँ पे उल्लेख किया गया। इस प्रकार से पूरी आशा है कि नायब तहसीलदार का ग्रेड पे जो है वो शासन स्तर से जल्द मंजूरी में कि 4800 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब बात करते हैं UPSC से ASO के लिए जो फाइनल लिस्ट थी वो विभाग की तरफ जो है भेज दी गई, जैसा कि आपको सुबह की वीडियो में बताया गया। अब जो है प्रोविजनल वाले जितने लोग हैं ये सारे लोग जो है मिलकर लगभग जो है जहां तक जानकारी है कि लगभग 100 लोग प्रोविजनल वाले हैं UPSC से जो है ASO का जो फाइनल रिजल्ट आया था। तो इसको लेकर के जितना जल्दी हो सके आप आयोग स्तर से जो है मिल के जो है अपने डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को कम्प्लीट करते हुए आगे फाइल जो है विभाग की तरफ जाए, इसके लिए आप लोगों को कोशिश एक बार जो है सचिव सर से मिलने की जरूर करनी चाहिए, जिससे कार्यों में तेज़ी देखने को आए। ASO प्रोविजनल
ओरिजिनल को लेकर की ये अपडेट बताई जा रही है, जिसपे आपके बहुत सारे जो है कमेंट्स आए थे, तो उसके लिए ये वीडियो बनाना ही उचित लगा। तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एक माध्यम है जिससे जल्दी प्रक्रिया पूरी हो जाए, क्योंकि आगे जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कुछ और भर्तियों के होंगे, उसके पहले जो है एसओ प्रोविजनल वालों का जो है कंप्लीट जो है आयोग कर सकता है। इसके लिए आपको एक बार आयोग जाके जो है सचिव सर से अपनी बात को रखनी, ताकि कार्य में तेजी देखने को मिल सके। एसओ की नई विज्ञप्ति के लेकर के आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया गया कि इसमें जितने भी प्रतियोगी छात्र ये चाह रहे हैं कि एसओ की नई विज्ञप्ति जल्द से जल्द यूपी टीपीएससी से आए, उसके लिए सबसे पहले आप सभी लोग एक साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद जो कमेंट सेक्शन के माध्यम से ये बता सके कि कितने लोग ऐसे हैं कि जो चाह रहे हैं कि विज्ञप्ति आए, उसके लिए फिर एक प्रकार से जो है सचिव सर से मिलना, और उसके बाद जो है आप लोगों के जितने भी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर सभी के साथ जो मिल के खड़ा होगा चैनल, और आपकी हर एक बात को पहले रखेगा और एक एक चीज़ बताएगा जिससे विज्ञप्ति जल्दी आने की चांसेस बन सकती है। तो सभी लोग पहले मिल जाए, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएं कितने लोग विज्ञप्ति को चाहते हैं, क्योंकि अभी तक जहाँ तक मैंने देखा है कि 30 से 40 से अधिक लोगों को रुझान नहीं है भर्ती की तरफ। तो जब इतने लोग भर्ती चाह ही रहे हैं तो भर्ती आना संभव ही है, ये खुद ही आप अनुमान लगा सकते हैं। और जितना अधिक से अधिक हो सकेगा अगर इस वीडियो को शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक लोग जुड़ सकते, जो कि एएसओ की भर्ती का इंतजार काफी दिन से कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी न्यूज हो सकती है, कम समय में विज्ञप्ति जारी हो सकती है यूपी टीपीएससी, क्योंकि यूपी टीपीएससी की कार्यप्रणाली को सभी लोग अवगत हैं कि उसके कार्यप्रणाली में थोड़ी सी लेट लतीफी हो जाती है। वजह है कि भारी भरकम जो है भर्तियों को देखना पड़ता है, कर्मचारियों की संख्या को लेकर देखा जाए तो उतने कर्मचारी हैं नहीं, और आयोग के कार्यों में जो है ये तेजी देखने को तभी मिलेगी जब प्रतियोगी छात्रों को लगेगा कि हाँ आयोग को भी इनको इतनी वैकेंसी की जरूरत है, जबकि इसके बारे में आपको पहले भी बताया गया कि यूपी टीपीएससी से जो है एएसओ का जो है लगभग जो है 1300 तक विज्ञप्ति जो है वो आनी है, लेकिन अभी तक वो विज्ञप्ति नहीं। अब ये विज्ञप्ति की प्रक्रिया तेज़ी से होगी आयोग की तरफ से, थोड़ा सा कोशिश कर लेंगे तो और तेज़ी हो जाएगी, क्योंकि अब फाइनल तौर पे एएसओ 2019 कंप्लीट हो चुका है लगभग, इसलिए जो अब नई भर्ती आने के लिए यूपी टीपीएससी भी तैयारी करेगा, लेकिन कोशिश करेंगे तो जल्दी विज्ञप्ति आ जाएगी। तो ये रहा एएसओ की नई विज्ञप्ति को लेकर के अपडेट। बाकी की अपडेट के लिए एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके काम की वो नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिलेगा। तो मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, बड़ी खबर के साथ एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त।